नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बांगरमऊ उन्नाव जिलाधिकारी गौरांग राठी की अध्यक्षता में आज तहसील जन सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस यानी तहसील दिवस संपन्न हुआ, जिसमें कुल 308 शिकायतें प्राप्त हुई। मौके पर 24 शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों की काफी भीड़ रही। सुबह 10 बजे से शुरू हुए उप जिलाधिकारी नम्रता सिंह ने किया काफी विलंब से तहसील पहुंचे। जिलाधिकारी को देखते ही फरियादियों की काफी लंबी कतार लग गई। स्थानीय पुलिस बल ने फरियादियों को क्रमवार ढंग से बारी बारी से जन सभागार में जाने दिया, तब कहीं जाकर भीड़ पर काबू पाया जा सका। संपूर्ण समाधान दिवस में राजस्व विभाग के 141, गृह विभाग के 52, चकबंदी विकास विभाग के 23, खाद्य एवं रसद विभाग के 9, विद्युत विभाग के 8, अन्य 52 सहित कुल 308 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें मौके पर 24 शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया। तहसील सभागार में लगे पंखे खराब होने के कारण उमस भरी भीषण गर्मी से अधिकारियों व फरियादियों का बुरा हाल रहा। फरियादियों की भारी भीड़ के चलते निर्धारित समय 2 बजे के बाद भी 2:30 बजे तक संपूर्ण समाधान दिवस चलता रहा। जिलाधिकारी ने सभी प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों को गंभीरता से लेते हुए निर्धारित समय सीमा के अंदर निस्तारित किए जाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर मीना, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकार अरविंद कुमार चौरसिया, तहसीलदार रामाश्रय सहित सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। रिपोर्ट आरपीएस समाचार। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।